हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार त्रिपाठी और हम कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो जो कि आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड था नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि पोलर फॉर्म में आर्ग्यूमेंट का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी को किस तरीके से लिखेंगे ये हम सीखते हैं। तो देखिए ध्यान से कि पोलर को आर्गन प्लेन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते थे। तो ये वाला एक्सिस है आपका रियल एक्सिस, ये एक्सिस है रियल, ये एक्सिस है आपका इमेजिनरी एक्सिस। पॉइंट आपका होगा यहां पर, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी। अगर ये मान ले कि ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका पॉइंट होगा ये जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ये एंगल थीटा मानते हैं, ओ कैपिटल पी। अब ओ से लेके पी तक ये जो डिस्टेंस है ओपी, ये डिस्टेंस हमने डिस्कस की हुई है कि ये डिस्टेंस मॉड जेड, कुछ लोग इसे आर से भी इक्वेट करते हैं। तो आर और मॉड जेड दोनों सेम है। अब आप देखिए इन राइट ट्राइंगल, मान लें कि ये पॉइंट ए है, इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपरटेन्यूस, बेस बीइंग ए एंड हाइपरटेन्यूस मॉड जेड या आर, एक ही चीज है। तो ए का वैल्यू आ गया आपके पास आर कॉस थीटा इन राइट ट्राइंगल, अगेन इन द सेम राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी साइन थीटा इज व्हाट, सी साइन थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूस, तो b अपॉन r। दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू r साइन थीटा। ये दोनों वैल्यूज अगर z में सब्सटीट्यूट कर दी जाए तो z हो जाएगा a की जगह आ जाएगा r cos थीटा प्लस i टाइम्स r साइन थीटा। r कैन बी टेकन कॉमन, cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। किसका पोलर फॉर्म है? जेड का। वेयर आर इज व्हाट, आर की वैल्यू है मॉड जेड, एंड यू नो व्हाट इज मॉड जेड, मॉड जेड आपको मालूम है, मॉड जेड मींस दिस हाइपरटेन्यूस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आर है और ये है थीटा। पर प्रॉब्लम वही जैसे हमने आर्ग्यूमेंट वाले चैप्टर में देखी होगी। तो अगर आपने आर्ग्यूमेंट वाला, इसीलिए मैं कह रहा था आपसे, अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आर्ग्यूमेंट वाला वीडियो जरूर देखिए, जो डिस्क्रिप्शन की लिंक है उस लिंक में आप जाएं और आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो भी आपको मिलेगा, तो उसे जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि अगर नंबर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट जिसे कहा था हमने, तो उस केस में आर्ग्यूमेंट थीटा होता है। अगर नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में नंबर है तो माइनस थीटा होता है। ये हमने उसमें काफी अच्छे से सीखा है, तो आप लोग देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम देखें कि अगर इसको, क्योंकि नंबर अगर इस क्वाड्रेंट में है तो फिर ये थीटा काम नहीं करेगा, नंबर इस क्वाड्रेंट में तो नहीं करेगा, इसलिए देयरफोर अगर सबसे अच्छे तरीके से लिखें तो इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू r टाइम cos आर्ग्यूमेंट ऑफ z i sin आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और आर्ग्यूमेंट किससे निकालेंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस टेबल वेयर टेन थीटा इज मॉड ऑफ बी बाय
ए, वेयर टेन थीटा इज मॉड ऑफ बी बाय ए। तो ये देखो आप, बहुत आसान तरीका है। अभी हम एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हमेशा देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, और आप खुद भी ट्राई करना। पहला एग्जाम्पल लीजिए, अगर जेड आपका है 3 + √3i, और अपने क्वेश्चन होगा कि कन्वर्ट, क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि कन्वर्ट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनटू पोलर फॉर्म, इनटू पोलर फॉर्म, इनको पोलर फॉर्म में बदलना है। तो पहला ही क्वेश्चन मान लीजिए ये है, तो z इज इक्वल टू, इसको पोलर फॉर्म में बदलते, z इज इक्वल टू दिया है 3 + √3i। a क्या चीज है, a 3 है, b √3 है, तो r का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ a² + b² वही वैल्यू जो मॉड z का है, 3² + √3² 9 + 3 = 12 √12 और ये वैल्यू हो जाएगा 2√3। तो r की वैल्यू देखी आपने कि r की वैल्यू क्या आई, 2√3 आ गई। अब दूसरी चीज, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू रूट 3, दोनों पॉजिटिव है, बोथ ग्रेटर देन 0, तो नंबर बिलोंग्स टू z, belongs to which quadrant, first quadrant, z belongs to first quadrant। अगर z first quadrant में आ गया है तो argument of z होगा theta, तो tan theta निकाल ले सबसे पहले, tan theta is equal to mod of b by a, mod of √3/3, रूट थ्री से थ्री कैंसिल कर देंगे, 1/√3, और मॉड्यूलस मींस एब्सोल्यूट वैल्यू, जो आप बचपन से पढ़ते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव विल रिमेन पॉजिटिव। तो टेन थीटा 1/√3 होता है जब थीटा कितना डिग्री हो, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो, या आप इसको लिख दें π/6, पाई की वैल्यू 180 डिग्री मानते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7 रहता है, वो रेडियन वैल्यू है और डिग्री वैल्यू है पाई की 180 डिग्री, तो π/6, पाई इज व्हाट, पाई इज 180 डिग्री, और जो आप 3.14 कहते हैं वो रेडियन वैल्यू उसकी, 22/c, इसको c भी लिखते हैं इसके ऊपर, ये इसका रेडियन वैल्यू होता है। तो पाई की ये वैल्यू है, 180 डिग्री / 6 विल बी 30 डिग्री। अब नंबर बीइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नंबर z बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर इट्स आर्ग्यूमेंट, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू होगा थीटा, देखिए थीटा लिखा हुआ है, तो इट विल रिमेन π/6, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज, द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r cos argument of z plus i sin argument of z। यहां argument of z लिखना बहुत अच्छा है, अगर आप थीटा लिखेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कभी कभी, तो आप argument of z लिखिए, ये हो जाएगा आपका 2√3 cos argument of z π/6 है, π/6 i sin π/6। अब आपको इसकी वैल्यू नहीं डालना, अगर आप वैल्यू डालोगे तो आप वापस से वहीं पहुंच जाओगे, अगर आपने वैल्यू डाली तो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव हो तो फिर आप चेक कर सकते हो, ये चेक करते हैं, 2√3 cos π/6 cos 60 डिग्री cos 60 सॉरी 30 डिग्री इज √3/2 प्लस i टाइम्स sin 30 डिग्री इज 1/2, ये 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर देंगे और आप √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा, √3 × √3 प्लस आई टाइम्स √3 द सेम नंबर। तो ये वेरिफिकेशन के लिए, ये आपको यहीं पे छोड़ना है।
तो फाइनली दिस इज द आंसर, इसी को आप आंसर मान ले कि ये आपका आंसर हो गया। अब कभी आपके पास कुछ क्वेश्चंस, अब हम सेकेंड एग्जांपल पे जाते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक बढ़ जाए। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। ये चार्ट हम एज इट इज रखते हैं ताकि अभी फिर इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप काम में ले सकेंगे इसे। देखिए सेकेंड एग्जांपल, सेड इज इक्वल टू, अगर लिखा है हमारे पास माइनस वन प्लस आई, तो ए क्या चीज है, ए इज सॉल्यूशन पे जाते हैं, सॉल्यूशन ए इज माइनस वन, बी इज कोफिशियंट ऑफ आई विच इज वन। अब देखिए एक्स ये रियल नंबर नेगेटिव है, तो रियल नंबर नेगेटिव किस साइड में मिलता है, इस साइड में, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव इस साइड में, नंबर बिलोंग करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ए इज इक्वल टू माइनस वन, बी इज इक्वल टू प्लस वन, देयरफॉर जेड बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। आर क्या चीज है, आर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर विच इज रूट टू। टेन थीटा, टेन थीटा अब देखिए कितनी आसानी से और आगे तेजी से कर पा रहे हैं, टेन थीटा इज मॉड ऑफ बी बाय ए, क्योंकि आपने इसे समझ लिया तो अब आप बहुत आसानी से कर पाओगे। बी क्या है, बी इज वन, ए इज माइनस वन, प्लस अपॉन माइनस माइनस, बट बीइंग मॉड्यूलस ये प्लस हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू होने के कारण प्लस। टेन थीटा वन कब होगा, जब थीटा पाई बाय फोर होगा, 45 डिग्री होगा। अब सिंस जेड बिलोंग्स टू, जेड कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, देखिए आप एक्स माइनस सॉरी रियल नंबर माइनस है, इमेजिनरी प्लस है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, जेड बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा पाए माइनस थीटा, पाए माइनस थीटा, पाए माइनस पाए बाय फोर, थ्री पाए बाय फोर। इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि आप यहां पे थीटा मत लिखने की आदत डालो, आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखो, तो आपको याद रहेगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमें निकालनी है। और देयर फोर द पोलर फॉर्म इज, पोलर फॉर्म इज जेड इज इक्वल टू आर कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आई साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। जेड इज इक्वल टू आर का वैल्यू, आर का वैल्यू देखिए क्या है, आर का वैल्यू है रूट टू कॉस थ्री पाई बाय फोर प्लस आई साइन थ्री पाई बाय फोर। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, यही आपका पोलर फॉर्म है, यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करने के नाम पे देता हूं, आप खुद ट्राई करना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, जेड इज इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री आई, वन माइनस रूट थ्री आई, देखिए वन माइनस रूट थ्री आई, ये ए वन है पॉजिटिव और बी नेगेटिव है, तो नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और इसका आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा होता है, इसका आर्ग्यूमेंट कीप दिस थिंग इन माइंड, अगर मैं लिखना भूल गया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहां माइनस थीटा आएगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा आएगा। ये नंबर का आप पोलर फॉर्म निकालना और मुझे लिख भेजना, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अगला एक आपको मैं एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, वन प्लस सेवन आई अपॉन टू माइनस आई होल स्क्वायर, इसका पोलर फॉर्म निकालने को कहा जाता है, वन प्लस सेवन आई अपॉन टू माइनस आई होल स्क्वायर। तो इसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन बिल्कुल देखिए सिस्टमेटिक अप्रोच रखिए, जैसे मैं पसंद करता हूं और आपको भी मैं उसके लिए इंसिस्ट करता हूं, टू माइनस आई होल स्क्वायर, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब आप ज्यादा लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसको खोल दे, टू स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस टू इंटू टू इंटू आई, ये हो गया वन प्लस सेवन आई अपॉन टू का स्क्वायर फोर, आई स्क्वायर इज माइनस वन माइनस फोर आई, ये हो गया थ्री माइनस फोर आई, वन प्लस सेवन आई अपॉन थ्री माइनस फोर आई। अब इसको रैशनलाइज कर दे, थ्री प्लस फोर आई से ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कहने का कि उसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में ले आए। ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, 1 × 3 3, 1 × 4i 4i, 7i × 3 21i, 7 × 4 28, i × i square upon 3 square minus 4i whole square. 3 plus ये दोनों ऐड हो गए, 25i 28 i square being minus 1, 9 minus 16 i square is minus 1, तो ये भी minus 1 के कारण plus हो गया। अब देखिए 3 माइनस 28, बिकॉज 28 इंटू माइनस 1 इज माइनस 28, तो 3 माइनस 28 माइनस 25 प्लस 25i अपॉन 9 प्लस 16 25, तो ये हो गया माइनस 25 अपॉन 25, कैंसिल हो जाएगा माइनस 1, 25i अपॉन 25i 25, ये भी कैंसिल, ये हो गया माइनस 1 प्लस आई। अब आप देखें विच इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, तो विच इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आप एग्जांपल नंबर 2 कह सकते हैं, ये क्वेश्चन तो एग्जांपल नंबर 2 के जैसा है। अब आप इसको इसी के जैसा प्रोसीड करें, इसलिए अब इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन में आपको और लिखता हूं जिसे आपको खुद सॉल्व करना है, और मुझे उसका भी आंसर आप लिख भेजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जेड इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस आई, इसका सॉल्यूशन आप निकालिए और इसका सॉल्यूशन मुझे लिख भेजिए। एक एडिशनल भी मैं आपको दे देता हूं, जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आई, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स पे। अपने दोस्तों के साथ इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जरूर शेयर करें, उन्हें ये टेक्निक बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।